गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ क्लास थर्ड, सब्जेक्ट सोशल साइंस, चैप्टर नंबर 1, द फैमिली. ठीक है, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सेम स्टोरी विशु विच वी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो. ठीक है, लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि जो विशु है वो अपने समर वैकेशंस में अपने मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ आया हुआ है और उसने क्या कुछ अपनी ग्रैंड मदर जो है मैटरनल ग्रैंड मदर उनसे सीखा. ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट इज विशुस ग्रैंड फादर टीचर्स. अब विशु के जो ग्रैंड फादर हैं वो क्या करते थे, क्या सिखाते थे? तो एवरी मॉर्निंग विशु के जो ग्रैंड फादर हैं वो पार्क में जाके क्या सिखाते थे, योगा सिखाते थे. ठीक है, और वहाँ पे योगा के साथ साथ वो लोगों को सिखाते थे कि हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, कि कैसे हम क्या कुछ खा के अपनी ईटिंग हैबिट्स को सुधार सकते हैं. ठीक है, और कैसे हमें अपना पूरा शेड्यूल बनाना चाहिए जिससे हमें वो सारी चीज़ें खाएं जिससे हमारा जो एक हेल्थ है हमें अच्छी प्रोवाइड हो सके. ठीक है, नेक्स्ट विशुज़ मदर. अब उसकी विशु की मदर के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि बिफोर मैरिज उसकी लाइफ कैसी थी, उसकी स्कूलिंग कहाँ पे थी और उसने क्या कुछ किया. तो विशु की जो मदर है उनकी स्कूलिंग जो थी वो कहाँ से थी, सारी स्टडी लखनऊ से थी. ठीक है, लखनऊ से पढ़ी थी वो. उसके बाद वो ट्रेन मणिपुर डांसर थी. ठीक है, तो मणिपुर जो डांस एक फॉर्म होती है डांस फॉर्म की, तो वो एक पूरी ट्रेन थी उसमें, और वही चीज़ वो मणिपुर डांस जो था वो जयपुर में बच्चों को सिखाया करती थी. मतलब वो मणिपुर डांस की टीचर थी जयपुर में. और एज़ बीइंग अ चाइल्ड जो विशु की मदर थी मनमीत जिसका नाम था, वो क्या थी, बहुत शरारती थी. ठीक है, जैसे बच्चे होते हैं वैसे वो भी बहुत ज़्यादा नॉटी थी और अपने पेरेंट्स को बहुत परेशान करती थी. वो क्या करती थी, गार्डन में जाके, उसको जामुन बड़े पसंद थे तो वो वहाँ पे जाके पेड़ पे चढ़ जाती थी और वहाँ से जामुन तोड़ के, उसको नमक के साथ जामुन खाना बड़ा पसंद था. ठीक है, तो पहले हमने क्या देखा कि विशु के ग्रैंडफादर के बारे में कि वो पार्क में योगा सिखाते थे. ठीक है, उसके साथ साथ वो बच्चों वहाँ पे जो बच्चे थे बुजुर्ग थे सबको ही जो योगा सीखते थे उनको हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के बारे में भी बताते थे. उसके बाद विशु की मदर के बारे में देखा कि स्कूलिंग लखनऊ से थी उनकी, मणिपुर डांसर थी वो एक ट्रेन, और जयपुर में वो बच्चों को मणिपुर डांस सिखाया भी करती थी. नेक्स्ट वीक बहुत नोटी चाइल्ड थी, शरारती बच्चा था वो, जामुन खाती थी वो पेड़ से तोड़ के नमक के साथ. ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे. नेक्स्ट इज अबाउट विशुज ग्रैंड मदर. विशु की ग्रैंड मदर वो बहुत ज़्यादा अच्छी लेडी थी. जैसे हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि वो एम्ब्रॉयडरी सिखाती थी पुअर वीमेन को. अब इसमें उनकी डेली जो रूटीन है घर के अंदर वो बताई गई है. सबसे पहले तो वो सुबह उठ के वॉशेस वेरांदा, वेरांदा जो हमारा कॉरिडोर होता है उस टाइप में वो वेरांदा धोती थी. ठीक है, उसके बाद वहाँ पे वो फ्लोर के ऊपर रंगोली बनाती थी. रंगोली पता है ना, जो हम दिवाली पे बनाते हैं, कलर्स को यूज़ करके वो फ्लोर के ऊपर रंगोली बनाती थी. और विशु ने भी वहाँ पे उनके साथ रंगोली बनाना सीखा था. ठीक है, तो विशु ने एक और आर्ट वहाँ से सीख ली, रंगोली बनाना. नेक्स्ट इज विशु ने क्या कुछ अब और चीज़ें लखनऊ में अलग देखी. सबसे पहले तो उसने न्यू ईटिंग हैबिट सीखी. न्यू ईटिंग हैबिट्स मीन्स उसने डिफरेंस देखा किस चीज़ के बिटवीन, खाने खाने के तरीके के, मतलब हम किस वे में खाना खाते हैं. अपने घर में विशु जो था वो डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ के वो सारे डिनर करते थे, बट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लखनऊ में उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो फर्श के ऊपर मैट्स बिछा के वहाँ पे बैठ के खाना खाया करते थे. ठीक है, फिर खाना खाने के बाद वो जो गंदे बर्तन होते हैं झूठे बर्तन वो टैप्स के नियर रख देते थे. ठीक है, नेक्स्ट है रोलिंग मैट्स. फिर उसके बाद जो मैट्स जिसके ऊपर बैठ के उन्होंने खाना खाया था उन मैट्स को रोल करके लपेट के वो किचन में जो शेल्फ बनी हुई थी उसके ऊपर रख देते थे. नेक्स्ट विशु ने अपनी ग्रैंड मदर से शर्ट के ऊपर बटन लगाना भी सीखा था. नेक्स्ट है विशुज पैटर्नल फैमिली. अब यहाँ पे उसका जो ट्रेवल है अपने मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स के साथ अपने नानी हाउस में ख़त्म हुआ. अब हम विशु के पैटर्नल फैमिली के बारे में, उसके फादर के जो पेरेंट्स हैं उनकी फैमिली के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. विशु के जो पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स थे वो कपूरथला में रहते थे. ठीक है, कपूरथला पंजाब में. जो उसके फादर के जो दो ब्रदर थे, ठीक है, और उनकी फैमिलीज वो वहाँ पे रहती थी. वो जो थे कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, पंजाबी लैंग्वेज थी. हर सुबह उनकी रूटीन थी कि वो सारे उठ के वो हवन करते थे, हवन करने के बाद फिर सारे ब्रेकफास्ट करते और फिर जिसने काम पे जाना होता था बड़े, मतलब वो काम पे चले जाते थे और बच्चे स्कूल. बट एज वहाँ पे अभी समर वेकेशंस थी तो बच्चे अभी घर पे ही थे. और विशु जो था अपने कजन्स के साथ बहुत ज़्यादा खेलता था.
तो इसके बाद विशु के जो वहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स थे वो सभी बच्चों को लेके, ठीक है, वो उसके ग्रैंड पेरेंट्स उसके फादर के सिस्टर के पास गए, मतलब फादर की सिस्टर विशु की क्या हुई, उनकी बुआ, ठीक है। तो वो सारे कजन्स विशु वो सारे कहाँ गए, उनकी फादर की सिस्टर के पास, मतलब अपने बुआ जी के पास गए, जो कहाँ रहती थी, विलेज राजा कला, ठीक है। और वो सारे कजन्स भी थे और ग्रैंड पेरेंट्स उनको वहाँ पे लेके गए थे। तो वहाँ पे जाके बच्चों ने बहुत मस्ती की, वो वहाँ पे जाके उन्होंने इंजॉय किया, उन्होंने पेड़ के नीचे बैठे वो, ठीक है, शेड के नीचे, छाँव के नीचे बहुत मस्ती की। वहाँ पे फिर उनके जो अंकल थे, उनके मतलब बुआ जी के हस्बैंड, ठीक है, वो उन्होंने ट्रैक्टर पे सारे बच्चों को राइड करवाया। तो बहुत ज़्यादा एक अच्छा एडवेंचर रहा विशु के लिए वहाँ पे भी, ठीक है। तो ये सारी स्टोरी से आपको पता चला कि जो हमारी फैमिली है हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। देखो कितनी चीज़ें विशु ने जो थी अपने मैटर्नल या पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाके सीखी थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द साइज ऑफ द फैमिली, ठीक है। फैमिली के दो साइज होते हैं, एक स्मॉल साइज जिसको हम न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं, और बिग फैमिली, ठीक है, और जिसको हम जॉइंट फैमिली कहते हैं। स्मॉल फैमिली क्या होती है, लीव्स विद, जहाँ पे हम आजकल जैसे होता है ना कि जॉब्स की वजह से जो बच्चों को अलग सेटल होना पड़ता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है बेटा, कि लीव्स विद ओनली मदर एंड फादर, ठीक है, हम अपने मदर और फादर के साथ रहते हैं, वो हमारी स्मॉल या न्यूक्लियर फैमिली होती है। और बिग या जॉइंट फैमिली में क्या होता है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, हमारे अंकल्स होते हैं, आंट होते हैं, उनके बच्चे, मतलब हमारे कजन्स, तो ये हमारी क्या बन जाती है, बिग फैमिली। तो न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली में आपको डिफरेंस यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारी जो यहाँ पे लास्ट टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट फैमिली। तो फैमिली के बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या कुछ हैं, क्यों ज़रूरी है फैमिली हमारे लिए। देखो सबसे पहले तो फैमिली के अलावा हमें प्यार कोई नहीं करता है सबसे ज़्यादा। तो फैमिली में क्या है, लव वन अनदर, हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उसके बाद सेकेंड मेन टॉपिक क्या है, शेयर हैप्पीनेस एंड हेल्प ईच अदर इन टाइम ऑफ नीड, और हम खुशियाँ बांटते हैं, ठीक है, और जब कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो हम एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज योर कंसेप्ट विच वॉज इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इट्स बुक वर्क एंड सम ऑफ द एक्टिविटी विच यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर। थैंक यू।